बेरमो अनुमंडल के बोकारो थर्मल स्टेशन क्लब में डीवीसी सीएसआर नेताजी आई हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वधान में नेत्र जांच शिविर का उद्घाटन डीवीसी के परियोजना प्रधान आनंद मोहन प्रसाद के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं इस शिविर के आसपास के लोग इस शिविर में पहुंचे और गांवों से ग्रामीण महिला और पुरुष पहुंचे और शिविर में नेताजी आई हॉस्पिटल से आए चिकित्सकों के द्वारा आंखों की निःशुल्क जाँच की गयी। पिछले बार हम लोग आया था यहाँ पर, पिछले बार ऐसे ही कैंप हुआ था। पिछले बार यहाँ से BTPS का ये जो आयोजन है, पिछले बार 42 पेशेंट ऑपरेशन हुआ था, सबको ही अच्छा ही दिखाई दे रहा है। इसके बाद वही हिसाब से इस ये बार हम लोग चाहते हैं ज़्यादा के ज़्यादा पेशेंट ऑपरेशन करें और उसका भलाई होगा, उसका भला ऑपरेशन हो गए होने के बाद उसका दृष्टि शक्ति नॉर्मल रहेगा। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट CSR के जो मैनेजर लेवल है उस वो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो हम लोग को बुलाया और हम लोग उसी हिसाब से हम लोग चाहते हैं ज़्यादा है। हम लोग का जो पूर्णिया नेताजी आई हॉस्पिटल से टीम आया है तो वो टीम काम करेगा ये आज एवं कल भी। 22 जनवरी को बोकारो नगर के सभी मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान और दीपोत्सव को लेकर सिटी थाना परिसर में DSP कुलदीप कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। वहीं इस बैठक में सभी मंदिरों के पदाधिकारी और पंडित मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए सिटी DSP कुलदीप कुमार ने कहा कि शांतिपूर्ण वातावरण में इस दीपोत्सव और धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न कराना है और किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर इसकी सूचना मंदिर समिति के पदाधिकारियों को तुरंत थाना प्रभारी को देना होगा। इसके बाद पुलिस विधि सम्मत अपनी कार्रवाई करेगी। आप लोग तो सभी सम्मानित व्यक्ति हैं समाज के और शांति ही चाहिएगा, लेकिन शहर के शांति समिति का बैठक किया गया। इस शांति समिति में जो गणमान्य सदस्य हैं उन लोग उपस्थित हुए, यहाँ के जो मुखिया हैं रितु डी मुखिया और अन्य मुखिया जितने भी वो भी उपस्थित हुए हैं। सभी लोगों के साथ 22 जनवरी को जो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है इस उपलक्ष्य में बोकारो के नगरवासी और शहरवासी सभी लोग भी उत्साहपूर्ण एक पर्व मनाने की तैयारी में है। जैसे दीप प्रज्वलन या संगीत भजन कीर्तन का कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ सिटी एरिया में जितने भी मंदिर हैं सभी का लिस्ट तैयार कर लिया गया है और सभी का लोकेशंस हम लोग चिन्हित कर लिए हैं और सभी जगह हम लोग फोर्स से उसका वेरिफिकेशन भी करवा रहे हैं और कर लिए हैं। इस संबंध में शांति समिति के सदस्यों के साथ हम लोग विचार विमर्श किए हैं, सभी लोगों ने आप एक सहमति दिखाई है कि हम लोग सभी पूरे कार्यक्रम को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएंगे और दीप प्रज्वलन करेंगे और जो भी सूचनाएं होंगी हम लोग अग्रिम थाना प्रभारी को देंगे और अन्य जो प्रशासनिक पदाधिकारी उन लोगों तक प्रेषित करेंगे। शहर के शांति समिति का बैठक किया गया। धनबाद शहर भक्तिमय हो गया है, हर तरफ कलश शोभा यात्रा निशान यात्रा और हर तरीके के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में धनबाद के तेलीपाड़ा दुर्गा मंदिर प्रांगण में श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। बनारस से कथावाचक अपनी टीम के साथ पधार चुके हैं और आज श्री राम कथा की शुरुआत कलश शोभा यात्रा के साथ की गई। बाईस जनवरी तो पूरे देश में राम लला की धूम मची है और उसी के कड़ी में यह हीरापुर दुर्गा मंदिर में भी है। आज हजारों माता बहनों ने कलश यात्रा निकाली, जो यात्रा यहां से प्रारंभ होकर के पार्क मार्केट होते हुए हीरापुर टेम्पल मैदान टेम्पो तालाब गया, टेम्पो तालाब से निकल करके फिर हरि मंदिर होते हुए रणधीर वर्मा चौक होते हुए यहाँ समापन हुआ है। हजारों के लोग भाग लिए और यह आज से यहाँ राम कथा प्रारंभ हो रही है 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, जिसमें भव्य तैयारी है। 22 तारीख को समापन है, उस दिन भंडारा का भी कार्यक्रम है और स्क्रीन पर जो अयोध्या में राम मंदिर जी का उद्घाटन होगा उसको भी स्क्रीन पर यहाँ दिखाया जाएगा और भव्य तैयारी है। लगभग कथा जो है वो कहाँ से कथा करने वाले आए, किस संगठन द्वारा? बनारस के विद्वान पंडित BHU के हैं, वो आए हैं और वो पधार चुके हैं, उनकी पूरी टीम पधार गई है और उनका कथा यहाँ होगा। हम आपके माध्यम से यहाँ की जनता से आग्रह करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में 5 बजे यहाँ पहुँच करके और राम कथा का श्रवण करें और पुण्य के भागी बने। समय क्या होगा कथा का? 5 से 9 शाम। समय क्या
किस संगठन द्वारा किया जा रहा है? नवयुवक संघ हीरापुर के द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम दुर्गा मंदिर मंडप में हीरापुर। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान के दिन यानी कि 22 जनवरी को धनबाद के राजेंद्र सरोवर में श्री राम महादीप उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें 1.5 लाख दिए जलाए जाएंगे और इससे सरोवर जगमगाएगा। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने आज बैठक आयोजित की। उन्होंने बताया कि 22 जनवरी को दोपहर 2 बजे से दीप सज्जा का कार्यक्रम होगा, शाम 5 बजे से भजन कार्यक्रम शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि दीप प्रज्वलित के साथ घंटी और शंख से धनबाद गूंजमय होगा, जिसकी गूंज अयोध्या तक पहुंचेगी। चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग उस कार्यक्रम को करेंगे और कैसे हम लोग दीप जलाएंगे, कैसे हम लोग प्रसाद वितरण करेंगे, उसी के बारे में हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। क्या क्या आयोजन उस दिन एक साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा दीप जगमगाए और वो जो अच्छा दृश्य जिसकी हम लोग कल्पना कर रहे हैं सब उसको देख करके हर्ष के साथ, हर्ष उल्लास के साथ एक मुस्कान सबों के चेहरे पे आए कि एक साथ इतना दीपक जलने का जो हम लोग का प्लानिंग है वो पूरा फुल प्रूफ हो, उसके लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग उस कार्यक्रम को करेंगे और कैसे हम लोग दीप जलाएंगे, कैसे हम लोग प्रसाद वितरण करेंगे, उसी के बारे में हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। क्या क्या आयोजन उस दिन एक साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा दीप जगमगाए और वो जो अच्छा दृश्य जिसकी हम लोग कल्पना कर रहे हैं सब उसको देख करके हर्ष के साथ, हर्ष उल्लास के साथ एक मुस्कान सबों के चेहरे पे आए कि एक साथ इतना दीपक जलने। कोलेबीरा प्रखंड के ग्राम बरसलोया स्थित जगन्नाथ मंदिर और बजरंग बली मंदिर प्रांगण में नवयुवक संघ बरसलोया, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाकर पूरे मंदिर परिसर की साफ सफाई की गई। इसमें युवाओं के साथ साथ गांव के बुजुर्गों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा और सफाई अभियान के दौरान लोग राम नाम की धुन पर झूमते गाते नजर आए। इससे पहले हमने केतुंगा धाम, बास्टियांडी, बचरागढ़, आज बुरफलिया में जगन्नाथ मंदिर प्रांगण में हम लोगों ने साफ सफाई किया और 22 जनवरी का तैयारी हम लोग धूमधाम से कर रहे हैं। भव्य प्रोग्राम है यहाँ पर, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी है, भंडारा भी है, हवन पूजा सब चीज का प्रोग्राम रखा। इससे पहले हमने केतुंगा धाम। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में और आपके साथ मैं हूं काजल जोहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जमीन घोटाले में 8 समन के बाद आखिरकार सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ की बारी आ ही गई। हालांकि पूछताछ का वक्त और जगह सीएम ने खुद तय किया है, लेकिन अब सवालों की बारिश सीएम आवास में शुरू हो गई है और बाहर सियासत भी तेज हो गई है। पूरी रिपोर्ट देखिए। ईडी के 7 समन के बाद आखिर वो घड़ी आई जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के साथ बातचीत को तैयार हुए। वक्त भी खुद दिया, जगह भी खुद निर्धारित की, पर ईडी की टीम को अपने आवास बुलाना यह बात झारखंड की सियासी फिजाओं में तैरने लगी, क्योंकि पहली बार कोई केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम किसी मुख्यमंत्री के आवास पर पूछताछ को पहुंची थी। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक भी इस बात पर अड़े रहे कि ईडी आदिवासी मुख्यमंत्री को जानबूझकर परेशान कर रही है। भाजपा केंद्र शासित द्वारा उनको परेशान किया जा रहा है। जब से हमारी सरकार बनी है, आदिवासी की सरकार बनी है 2019 में, तब से इनको मैंने गिराने का कोशिश किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे हम लोग में आक्रोश है, बहुत गुस्सा है केंद्र सरकार से, बीजेपी सरकार से, जिस तरह का हमारे सीएम साहब को परेशान किया जा रहा है। हम लोग आदिवासी एकदम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कल कुछ इधर उधर हुआ उनके साथ तो फिर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, झारखंड को उथल पुथल कर देंगे हम लोग। ईडी की टीम से पूछताछ के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने भी पूरी तैयारी कर रखी थी। एक और जहां राज्य में ईडी से सीएम की पूछताछ को लेकर चर्चा चल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर सीएम हेमंत सोरेन ने अपने आवास पर महागठबंधन दलों के विधायकों की बैठक बुलाई थी।
सीएम और ईडी के प्रकरण पर मुखर रहे विपक्षी भाजपा ने सीएम की बैठक पर चुटकी ले ली। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि बैठक को बुलाकर सीएम ने अपना डर प्रकट कर दिया है। देखिए मुख्यमंत्री सात संबंध तक बहाने बनाते रहे ईडी के, लेकिन जब ईडी ने कहा अगर आप नहीं आएंगे तो हम आएंगे, तब उनकी हेलकर निकल गई और तब उन्होंने ईडी को अपने घर बुलाया, कार्यालय भी नहीं। जैसे राजवंशी राजकुमार की बिहेवियर होती है उसी तरीके से एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर का बिहेवियर था। और आज उनसे पूछताछ होनी है, पूछताछ के ठीक पहले उन्होंने अपने घटक दलों की बैठक बुला ली, मंत्रियों को बुला लिया, विधायकों को बुला लिया। क्यों मुख्यमंत्री जी, आपको पता है ना कि आपके पाप का घड़ा जो है वो भर गया है, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का हिसाब का दिन आ रहा है नजदीक, इसलिए आप अपने अंदर के डर को छिपाने के लिए ऐसी बैठकों को बुला रहे हैं। हमारा मानना है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ईडी के संबंध से भागते दिख रहे हैं, साफ तौर पर इन सारे घपले घोटालों के तार उनसे जुड़े हुए हैं। और ईडी के संबंध के बाद आज जो ईडी से उनकी पूछताछ होगी, ये संभवतः इनके राजनीतिक जीवन की अंतिम अध्याय की शुरुआत हो जाएगी। अब सारी नजरें इस पर टिकी हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के बाद ईडी का क्या रुख होता है, क्या सीएम के जवाबों से ईडी संतुष्ट हो पाती है। पिछली बार जब 8 घंटे की पूछताछ हुई थी तो ईडी सीएम के जवाबों से संतुष्ट नहीं थी। बहरहाल अब नजरें इस पर टिकी हुई हैं कि इस पूछताछ के बाद क्या सामने निकल करके आता है और इससे झारखंड की राजनीति की दशा और दिशा कैसे तय होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 22 को। रांची में जमीन घोटाले मामले में ईडी की टीम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पहुंची है और अलग अलग कमरे में मुख्यमंत्री से पूछताछ हो रही है। सत्ता पक्ष के विधायक व मंत्री सीएम के आवास के परिसर में ही दूसरे तरफ अलग कमरे में बैठे हैं। सीएम आवास के बाहर झामुमो के कार्यकर्ता काके रोड को जाम कर ईडी व केंद्र सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर रहे हैं। ईडी के अधिकारी गाड़ियों के काफिले के साथ सीएम आवास पहुंचे और सीएम आवास पर ईडी के पहुंचने से पहले कई मंत्री और विधायक भी सीएम आवास में मौजूद थे, तो वहीं पर सीएम आवास के बाहर जेएमएम के कार्यकर्ता भी डटे हुए दिखे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास के पास झामुमो के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे और ईडी की कार्रवाई का विरोध करते हुए नजर आए। रक्षा व्यवस्था को कायम रखने के लिए रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा क्यूआरटी के साथ सीएम आवास के सामने पैदल मार्च करते दिखे हैं और मंत्री जोबा मांझी, चंपई सोरेन के अलावा सत्ता पक्ष के कई विधायक सीएम आवास में पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि रांची पुलिस प्रशासन के कई बड़े अधिकारी सीएम आवास के गेट के बाहर नजर आए, हालांकि अब तक ईडी की टीम वहां पर मौजूद है।